नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं तो पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जो है दबा दीजिए ताकि तमाम जो अपडेट है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी खबरों से रूबरू हो जाए। हालांकि मैं बार बार नहीं बोलता लेकिन अब बोल रहा हूँ। अब खबरों पर आते हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो लगातार जो है अब चुनाव प्रचार में तमाम जो राजनीतिक दल है अपने अपने स्तर से लग गई है, क्योंकि वर्चुअल के जगह जो है एक्चुअल की मांग की जा रही थी, एक्चुअल रैली की, वो भी अनुमति मिल चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जो भी है, जो निर्देश दिए गए हैं कोरोना काल के दौरान, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप रैलियां कर सकते हैं। बहरहाल आज जो है जेपी नड्डा गया के गांधी मैदान से तकरीबन 5,000 लोगों को संबोधित करेंगे। आज जो है चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे जेपी नड्डा। लेकिन अब बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। खबर ये है कि तेजस्वी यादव जो है इस बार जो है 243 विधानसभा में जाकर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर है, हेलीकॉप्टर से जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, और एक दो विधानसभा नहीं, 243 विधानसभा में जाकर तेजस्वी यादव जो है हेलीकॉप्टर से जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग जो है वो भी हो गई है। फिलहाल जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, और एक निर्देश यह भी आया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो स्टार प्रचारकों की जो संख्या है वो घटा दी गई है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसको 20 ही स्टार प्रचारक रखने हैं जो कि पहले 30 था, और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो 20 में से 15 जो कि पहले 20 था, अब जो है 15 स्टार प्रचारक जो मैदान में उतार सकते हैं। अलग अलग चेहरा हो सकता है, जाहिर सी बात है कि वो ऐसा नहीं कि वो बिहार के ही हों, दूसरे राज्य के भी हो सकते हैं। लगातार जो लिस्ट आने लगी है बीजेपी की तरफ से, आदित्यनाथ योगी भी आ रहे हैं और भी तमाम जो नेतागण वो आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए 243 विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे, और साथ ही साथ अगर महागठबंधन के एक दल कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने स्टार प्रचारकों के रूप में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम जो उनके बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, सभी लोग जो हैं वो बिहार दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो खबर आ रहा है कि वो दोनों जो है भाई बहन हरेक चरण में, तीन चरणों में चुनाव होने, तो 6 दौरा उनका होगा बिहार में, यानी कि एक चरण में 2 सभाएं वो करेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक चरण में 2 सभाएं करेंगे, यानी कि 3 चरण होने हैं तो 3 × 6 जो सभाएं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के होंगे। बहरहाल जो है सूची जो आ रही है अभी तक लिस्ट पूरी नहीं हुई है कि, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नाम आ रहा है उसमें मनमोहन सिंह है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो सभी लोग जो हैं बिहार चुनाव प्रचार में एक प्रचारक के तौर पर वो विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करेंगे। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।